वीनस अपने ही उसके एंटर हो रहा है स्टार में, सॉरी ज़ोडिक में। तीन बेस्ट मैं बता देता हूँ जिन पे सबसे ज्यादा अच्छे असरात होने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ओसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग रब्ता कर सकते हैं, इसलिए मैंने नंबर दिया हुआ है। नाजमीन, सबसे पहले ओसामा साहब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। इस टाइम भी ओसामा साहब उम्रे पर हैं और इन्होंने उम्रा कर चुके हैं और इनको बहुत ज्यादा इस चीज की मुबारकबाद हम देते हैं फलक शेख ऑफिशियल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। ये जो हमारी आप प्रोग्राम नहीं आ रहे थे, कुछ लेट हुए हैं प्रोग्राम, इसकी वजह भी यही थी कि ओसामा साहब मसरूफ थे। तो नाजरीन, आज का जो टॉपिक है आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि 18 सितंबर को बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं, चांद ग्रहण भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक गुड न्यूज ये है कि वीनस इंटू लिब्रा जा रहा है 18 सितंबर को, होने क्या जा रहा है, इसमें कौन से जोडिक साइन है, कौन से अल्फाबेट ऐसे हैं जो टॉप पर होंगे, जो अरूज पाएंगे और उसके कितने अरसे तक, कोई भी ट्रांजिट लगता है, ओसामा साहब ने हमें बताया हुआ है कि 20 से 25 या 45 दिन तक उसके असरात रहते हैं, तो ये आपको बेनिफिट देगा। एक तो ग्रहण का है और ऊपर से ये वीनस की जो ट्रांजिट है, इससे लिब्रा के अंदर क्या क्या बेनिफिट होंगे, किन रूज को बेनिफिट है, आइए जानते हैं मोहम्मद ओसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फलक आपका, आपके सारी टीम का, विशेष के लिए। अल्लाह ताला आप सबको, आपके व्यूअर्स को, सबको इस घर की ज्यादत नसीब करे और ये सादत सबके नसीब में लिख दे। उसके बाद मैं शुरू करूंगा इसके जो वीनस का आपने पूछा, उससे भी पहले कि रबीउल अव्वल की मुबारकबाद कबूल करें तमाम उम्मत मुस्लिमा, जो भी जहां भी सुन रहे हैं उन सबको ये अजीम दिन जो है मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि इसको मैं समझता हूँ कि इसको इख्तलाफात की नज़र नहीं होना चाहिए। कोई 12 कहता है, कोई 17 कहता है, दोनों ही आप 12 भी मनाएं, आप 17 भी मनाएं, हफ्ता ही पूरा मनाएं, महीना ही पूरा, क्योंकि ये इतना बड़ा अल्लाह ताला का इनाम हुआ इस कायनात पे जिसकी कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, और इसको जितना भी मनाए। जी अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वीनस अपने ही उसके एंटर हो रहा है स्टार में, सॉरी ज़ोडिक में, लिब्रा में। अब इसका अभी फिलहाल जो इंटरेस्टिंग है आपके लिए या आपके व्यूअर्स के लिए, उसमें जस्ट मैं अभी तीन एक आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे ही हम आते हैं तो इस पे 12 भी हम डिटेल्ड बता देंगे कि 12 पे क्या इम्पैक्ट है, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में लाजमी देखें कि वीनस के इम्पैक्ट 12 बलूज पे। लेकिन आज हम शॉर्टली, क्योंकि आपको पता है कि अभी ट्रेवल ही है, तो इसमें जस्ट ये है कि आपको तीन बेस्ट मैं बता देता हूँ जिन पे सबसे ज्यादा अच्छे असरात होने वाले। सबसे पहला जो इसका बेनिफिशरी है वो एरीज है, CH, CHE, CHU, CHO, LA, LE, LO, and A के जितने भी साउंड हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अब आप ये समझें कि एरीज के 7th हाउस में लग रहा है, इसका मतलब है रिश्ते एक्सपेक्ट कर रहे थे आएंगे। अगर इस टाइम पे कोई जैसे कहते हैं ना सोशली चमकने का टाइम है, सोशल कम्युनिकेशंस बेहतर होने का टाइम है। अगर काफ़ी अरसे से कोई रिश्ते की तलाश जारी थी, सबसे पहले तो गैर शादीशुदा अफराद के लिए रिश्तों का बायस बनेगा। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इसके जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, सोशली उनको बड़ी रिकग्निशन मिलेगी। प्लस बिजनेस पर्सन जो है इसमें अच्छे प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस ऑफर्स अच्छी, न्यू डील्स बनेंगी, नई डील्स ऑफर होंगी। इसी तरीके से कोई ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी कुछ फ़ायदा होगा और नई व्हीकल का भी जो है वो लेने का चांस नज़र आता है, और नई डील्स, नए रिश्ते, नई पार्टनरशिप्स बनती एरीज के लिए नज़र आती हैं। वर्क प्लेस पे प्रमोशन और इनको, क्योंकि ये देखें एक तो ये उस सोशल हाउस में तो लग रहा है उनके, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनैलिटी हाउस को देख भी रहा है, तो दोनों नहीं चमकेंगे, यानी कि पहला और सातवां दोनों घर इसके इम्पैक्ट कैरी करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इन लोगों के लिए जो है वो अपने ही हाउस में उसका आना लगना एरीज को, एरीज के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा।
उसके बाद जो सेकंड इसका बेनिफिशियरी होगा डेफिनेटली वो वही है जिसके हाउस में लग रहा है लिब्रा। लिब्रा में जो है वो अल्फाबेटिकली आर ए आर ई आर ओ आर यू टी ए टी ई टी यू और टी ई भी उसमें आ जाएगा। तो ये लिब्रा के उसमें अल्फाबेटिकल नेम के हिसाब से देखना चाहे और लिब्रा में भी आप समझ लें कि अच्छी अमाउंट सेव करने का टाइम रहेगा उनके लिए। अच्छी जैसे कहते हैं कि कंफर्टेबली अपनी जरूरियात पूरी करते नजर आते हैं। फाइनेंशियल क्रंच उनके दूर हो जाएंगे, फाइनेंशियली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होते नजर आते हैं, एक या एक से कई ज्यादा जराए आमदनी बन जाएंगे। बिग प्रमोशन मिल जाएगी जो बड़े अच्छे से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा टाइम होगा और जो इस वक्त में इन्वेस्ट करेगा उसको उसके हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे। उसके बाद डेफिनेटली हैप्पीनेस सोशल लाइफ में, लव लाइफ, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन स्पाउस बोथ वो इंक्रीज हो जाएगी और इनको भी रिश्ते आएंगे। अब इस पे शादीशुदा अफराद की बात नहीं हो रही, वैसे उनको भी हो सकता है आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ गैर शादीशुदा अफराद की बात हो रही। और वैसे किसी को भी इसमें बिजनेस पार्टनरशिप भी आपको कई दफा आपके व्यूअर्स को बताया उनके लिए भी होता है और ये उनके लिए भी होता है जो शादी के इंतजार में बैठे हैं या कोई रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मौका है इसी दौरान वीनस के इस ट्रांजिट के दौरान इनको इनका रिश्ता या कोई भी मामला तय पा सकते हैं। उसके बाद तीसरा और लास्ट जो बेनिफिशियरी है वो सेजिटेरियन। सेजिटेरियस के लिए बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि वो ये हैपनिंग हो रही है। क्यों? सेजिटेरियस के गेन्स हाउस में हो रहा है। सेजिटेरियस का गेन हाउस है जिसमें ये लगेगा। और मैं इसके स्टार्ट में बताना भूल गया कि इसको मलाविया योग भी कहते हैं। ये मलाविया योग भी कहलाता है कि वीनस अपने ही जो जोडिक के अंदर जब जाता है और फिर उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जहरी बात है। कंफर्ट, लग्जरी और आसाइश और प्यार का माना जाता है, तो डेफिनेटली जिंदगियों को बहुत अच्छे अंदाज से मुतासर करता है जब अपने ही हाउस में जाता है। तो सेजिटेरियंस के लिए सर बहुत ज़बरदस्त छप्पर फटेगा इस दौरान। पहली दफ़ा आपने मेरे मुँह से शायद सुना होगा, मैं कभी भी एग्जैजरेट नहीं करता। बड़ी मेरी मतलब आपने देखा होगा अंदाज भी कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म की वो प्रिकॉशंस पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है ये। लेकिन सेजिटेरियंस के लिए वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक अच्छा मनी फ्लो बन जाए उनके लिए अचानक, और फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियल होगा और इसी तरीके से फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे। जेब भरी हो तो वैसे ही आपको पता है कि फैमिली भी फिर इंजॉय करती है सारे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इनको इनके जो मेहनत कर रहे थे काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छे से उसका सिला मिल जाएगा और गिले शिकवे ख़त्म होंगे। एम्प्लॉयज़ अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर पाएंगे और प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज बोथ एक्सपेक्टेड रहेगा। नए दोस्त बनेंगे, सोशल सर्कल भी इंक्रीज होगा, साथियों, हमसायों, दोस्तों, एलाइज से मदद मिलती नजर आती है। और इनको भी मैं समझता हूँ कि जो सिंगल हैं उनको भी मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं। और ओवरऑल सेजिटेरियंस के लिए फिनेंशियली और फैमिली लाइफ की तरफ से बहुत ज़बरदस्त ये टाइम होगा। तो ये ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो तीन जॉडिक और सेजिटेरियंस के लिए अल्फाबेटिकली अगर देखें तो वाई ई वाई ओ बी एच ए बी एच ई बी एच यू डी एच ए पी एच ए ये जो साउंड्स हैं ये इसमें फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सामन साहब, नाजरीन ये जो अल्फाबेट बता रहे हैं ये वो बता रहे हैं जिनको अपनी अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो वो अगर उनका नाम इन चीजों से लफ्जों से शुरू होता है तो आप फिर सेजिटेरियस को देखेंगे, वो ये ट्रांजिट फिर आप लोगों के लिए है, इसलिए अल्फाबेट बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो जो टॉप के लोग हैं उनका बताया। मेरा सवाल है सोमा साहब से
कि ये जो वीनस है बेसिकली ब्यूटी को कहते हैं, मैंने जितना आप लोगों से सीखा है कि वीनस में लग्जरी चीजें, ब्यूटी का काम, तो लोगों का जो ब्यूटी से रिलेटेड कॉस्मेटिक का काम है या मॉडलिंग से रिलेटेड अगर जिन लोगों का काम है, तो क्या उनके भी काम चलेंगे कि सिर्फ ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ये जो ट्रांजिट है, ये प्लीज जरा क्लियर करें। नहीं, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये उन्हीं प्रोडक्ट्स का या उन्हीं वे ऑफ वर्किंग्स का या उनका रूलिंग प्लैनेट है जिन जिन का भी, और अपने हाउस में जब वो ट्रांजिट करेगा तो डेफिनेटली ये उसकी अच्छी पोजीशन होगी, और इस मौके से, इस टाइम से कपड़े का काम इनका अच्छा रहेगा, कपड़े से वाबस्ता लोग, और इसी तरीके से आपके यही ब्यूटिशियन, ब्यूटी, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, कपड़े की किसी भी किस्म से वाबस्ता, बेडशीट भी हो सकती है वो आपके गारमेंट्स और फाइन गारमेंट्स, या वो कोई भी स्टिच गारमेंट्स या क्लोथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से जी जी, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा है, लेकिन एक बंदे का जोडिक साइन टॉरस है और उसका काम ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है, ब्यूटी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, बेडशीट कपड़े का काम है, लेकिन उसके ट्रांजिट में आपने टॉप नहीं बताया, क्या वो भी तरक्की करेगा, ये क्वेश्चन है, इसका क्या कहेंगे? देखिए, उसमें होता ये है कि जब हम मुंडेन इलाकाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, या हम जब अब जब आपका क्वेश्चन था वो स्पेसिफिक उससे नहीं था, किसी जोडिक से नहीं था, वो जर्नल उससे था, तो जर्नल तो वो सारे शोभों में बेहतरी होगी जो जो उस शोभे से वाबस्ता होगा। अब उसका नसीब नहीं चल रहा, उस शोभे का नसीब उस पे हावी है। मिसाल के तौर पे सीजन आ गया, सीजन उसके नसीब का तो नहीं आ गया। आप देखें 12 दुकानें होती हैं एक ही लाइन में, जब सीजन होता 12 ही चाल पड़ती हैं, सबके सितारे तो एक नहीं होते, ऐसा ही है, पॉइंट समझ रहे हैं? अचानक, और बाजुकात कई किस्मत के धनी ऐसे भी होते हैं कि सारे चाल रहे हैं वो एक ही नहीं चाल रहा, वो सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। उसमें डेफिनेटली नजरे बाद साया, जादू, आपके अपनी बदअमालियां, गुनाह कबीरा सब कुछ ही आता है। लेकिन ये ओवरऑल जब बारिश होती है तो सभी भीगते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये उस तरह से ये समझे आप, बारिश वीनस की जो कंफर्ट लग्जरी और उससे रिलेटेड जो शोभा जाता है उसकी बारिश की बात है। हाँ, इंडिविजुअल की जो जाती गेन है हो सकता है कि उसमें उतना अच्छा ना रहे। जी, तो सपोज टॉरस के सिक्स हाउस में है तो छठा घर मुखालफत का है, छठा घर दुश्मनी का है, छठा घर आपके लीगल मैटर्स का है, छठा घर उस पे है, तो ये अपना ही प्लैनेट उसी को आके एक्टिवेट कर देगा, तो उनके लिए थोड़े से ये मसाइल भी बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे आपने बात की कि उसका बिजनेस क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो उसको उसके बिजनेस के फ्लो से एंजॉय करेगा, वो जाती नसीब में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, जैसे कि पैसा आपने उस चीज से कमा तो लिया, लेकिन या खर्चा हो गया या टेंशन आ गई, बिल ज्यादा आ गए, मैटर एक्टिवेट हो गया, छठे घर एक्टिवेट। ठीक, अच्छा नाज़रीन, जब ये टॉप जो 3 बताए हैं, अब बाकी नहीं बताए, ये ना समझें कि बाकियों के लिए बुरा है, इसलिए नहीं बताए, ऐसा नहीं है, बाकियों के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा पड़ रहा है ये टॉप 3 है जो ओसामा साहब ने बताया है। तो नाज़रीन अपना फीडबैक जरूर देंगे, ट्रांजिट चेंज होते रहते हैं, हर 20-25 दिन तक असर रहेगा इस घर में, इसमें ये अगर जोड़िए ताकत के साथ अपनी पूरी एफर्ट लगा के 20-25 दिन मेहनत कर लेंगे तो ये कामयाब हो सकते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है वीडियो करने का, ताकि आपको पता लग सके कि आपका ट्रांजिट और आपका प्लैनेट इस टाइम किस घर में है। बाकी आप लोग अगर जायचा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल सामा साहब से जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और मोहम्मद ओसामा अली साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह।